राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप सुन रहे थे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं, जहां करनाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। निकाय मंत्री सुभाष सुधा का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस बापू बेटे की पार्टी बनकर रह गई, चुनाव में सिर्फ यही दो कांग्रेस में बचेंगे, विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस का वोट काटेगी। तो ये बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर ये बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस से कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे, चुनाव में सिर्फ ये दो ही कांग्रेस में बचेंगे, बापू बेटा की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। ये बात निकाय मंत्री की ओर से कही गई है। मंत्री सुभाष सुधा हमारे साथ हैं, अमित शाह दौरा कर रहे हैं क्योंकि महज 100 दिन बचे हैं विधानसभा चुनाव में। ऐसे में पार्टी क्या कुछ बड़ी तैयारी कर रही है, क्योंकि अमित शाह खुद आ रहे हैं, कोई खास रणनीति अब की बात? देखिए, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसके बाद अभी हमारे विधानसभा के इलेक्शन है। आदरणीय हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी पंचकुला में आ रहे हैं और लगातार मैं कहूँगा हमारे जो विशिष्ट कार्यकर्ता है प्रदेश के, उन सब की मीटिंग हो रही है, संगठन की पूरी मीटिंग हो रही है। सभी MPs, MLA, आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी नमके मुख्यमंत्री, श्री नमक्या मनोहरलाल जी कैबिनेट मिनिस्टर, सभी MP, सभी MLA वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बहुत बड़ी विधानसभा को इलेक्शन को लेकर हमें वो टिप्स देके जाएंगे, उसके ऊपर हम पूरे विधानसभा के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने तो 3 स्तर की अलग अलग स्क्रीनिंग कमेटी बना दी है कि किस तरह से कैंडिडेट्स का चयन होगा। लोकसभा चुनाव में 46 जगह पे जीत हासिल हुआ, तब क्या स्ट्रेटजी रहेगी बीजेपी की, कुछ खास तरह का सर्वे होगा? देखिए, पहले तो कांग्रेस को जो सपने ले रही है वो लेने चाहिए। आपको शायद पता नहीं है, हम 45 सीटों पर हम जीते हैं 46 पे, कांग्रेस सिर्फ मेरे ख्याल से 41 सीटों में जीती है, मैं आपको धन्यवाद। और उसके साथ साथ कांग्रेस ने तो अपने पैरों में खुद गाड़ी मारी कि अपनी क्षेत्र लोकसभा की तो उनको दे दी अपना नाम क्या आम पार्टी को, और आम पार्टी भी पूरे प्रदेश में इलेक्शन लड़ेगी, मैं आपके सामने बताऊंगा। तो 100% हमारा संगठन बहुत मजबूत है। आज भी कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं है। हमारा पूरा क्या जिला अध्यक्ष भी हैं, पन्ना प्रमुख भी हैं, हमारी सारी इकाइयाँ भी, पूरी संगठन हमारा मजबूत है। हम संगठन के दम पर हम इलेक्शन लड़ते हैं। और मैं दावे से कहूँगा, जिस प्रकार से आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24 में से 18 घंटे आप जनता को मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो भी लोगों के सुझाव आ रहे हैं उनके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, 101% है। टोटल हमारे मुख्यमंत्री जी, टोटल हमारे मंत्री सब सड़कों पे उतरे हैं और सब बहुत स्पीड गति से हम कार्य कर रहे हैं। नौकरियों में सामाजिक आधार पर अधिक अंक देना एक बड़ा फैसला रहा था आपकी सरकार का, आपने खुद इसकी उपलब्धि गिनवाई है, लेकिन अब कोर्ट के आदेशों से उसको हटाया गया है, क्या नहीं मानते कि इसका असर पड़ेगा, कांग्रेस आपको घेरेगी? देखिए, ये सारी साजिश जो हुई है कांग्रेस की है। हमने तो कहा कि गरीब आदमी का बच्चा भी नौकरी लगना चाहिए, और वो भी लिखा कि इस परिवार से अगर कोई नहीं लगा हुआ तो उसको 5 अंक मिलने चाहिए। ये सारा कांग्रेस गई है, हाई कोर्ट में कांग्रेस के लोग उनके लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के इनके लोग गए हैं। हमने फिर भी एक बात कही है, जो बच्चे आज मैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के आए हैं, हमें चाहे उनके साथ खड़े हैं, चाहे हमें नाम क्या विधानसभा में कानून लाना पड़े, हम उनके लिए लाएंगे। और मैं दावे से कहूँगा, पहले क्या होता था, पहले नौकरियाँ बिकती थी, किस प्रकार से पर्चियाँ चलती थी, किस प्रकार से नौकरियाँ बिकती थी आपके सामने। आज मेरिट पे नौकरियाँ देने का बहुत बड़ा, गरीब आदमी का बच्चा ना लगे, इसको लेके कांग्रेस तड़प रही है। और हमने तो ऐसा किया है कि सब्जी वाला रेडी वाले का बच्चा भी आज मैं कहूँगा नौकरी लगता है, मेरिट बेस पर नौकरी लगता है, ये बहुत बड़ी देन है। तो आपकी सरकार में 3P से 4th P पब्लिक परेशान रही है, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, प्रॉपर्टी आईडी हो या पेंशन हो, अभी तक भी समाधान नहीं मिल रहा। बार बार समाधान शिविर आयोजित किए गए, अभी भी भीड़ दस की तस है। देखिए, कोई भी काम ऑनलाइन करना होता है किसी प्रकार का, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। आप मेरी देखिए, आज जमाबंदी हमने करी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जमाबंदी का, देखिए आज घर बैठे जमाबंदी निकाल लीजिए आप। पेंशन देखिए, पेंशन ऑनलाइन आ रही है, पहले पेंशन क्या होती थी आपके कनाल के अंदर, देखिए किस प्रकार से जब मैनुअल पेंशन थी, करोड़ रुपये का कपड़ा हुआ था, आज एक पैसे का कपड़ा होता, जो जनवन है उसके खाते में पेंशन जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा आज पेंशन, आज मैं कहूँगा कि लोग बहुत खुश हैं इसको लेके, लेकिन जो भी पोर्टल नहीं चलते उनके लिए एक दफ़ा उसको ठीक करने में नाम क्या हमें सुझाव लेने में आता है, तो ठीक करने में समय लगता है, आपको भी देखिए उसमें समय लग रहा है, ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी OBC और SC विरोधी है, इसी वजह से चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा।
देखिए बीजेपी किसी की विरोधी नहीं है, बीजेपी के साथ सब है। वो अपना मैं कहूँगा जो कुछ वो कर रहे हैं वो बापू बेटा की पार्टी है और बापू बेटा ही रह जाएंगे अक्टूबर के बाद। देखिए किस प्रकार से किरण चौधरी भी अभी हमारे बीच में आ गई है, कांग्रेस के और भी बहुत लोग आने वाले हैं, अब देखते रहो आपका क्या क्या बहुत लोग आ रहे हैं, अब बता देंगे आपको, आपके सामने आ जाएंगे। हम जब पहले भी कहते किरण चौधरी आ रही है तो आपने कहा नहीं आ रही, तो हमने कहा आ रही है ना, आ गई किरण चौधरी जी, अभी अभी और भी आने वाले नेता आने वाले हैं, सिर्फ ये बापू बेटा की पार्टी रह जाएगी, बाकी सब इनके साफ हो जाएंगे। अभी बात चल रही है कि इनेलो और जेजेपी, इनसे भी बातचीत चल रही है बीजेपी की? देखिए ये हाई कमांड का फैसला है, हमारा संगठन जो फैसला लेगा अब हमें वो मंजूर होगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो क्या लगता है कि अब की बार कितना मुकाबला, पिछली बार तो 70 पार का नारा था, अब की बार बीजेपी क्या नारा देगी? मैं तो आपको इतना बताऊँगा 101% कि करनाल की भूमि से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कर्ण की भूमि है, 101 तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। आप जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, उसका असर नहीं रहेगा? देखिए लड़े 90 सीटों पर लड़ेगी, अच्छा रहेगा, 90 सीटों पर लड़ेगी, सारी कांग्रेस की वोट खाएगी, कांग्रेस की बता दूँ आपको बात, लड़े अच्छी तरह, किस प्रकार से इन्होंने क्या हालात बने, इनके साथ की साथ सीटा देखिए आप, क्या दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती, आम पार्टी को एक ट्रेन मिली, पंजाब में इनका क्या हाल हुआ, हरियाणा भी इनका वही हाल होने वाला है, आपको देखते रहना। तो बिल्कुल ये प्रदेश के निकाय मंत्री सुभाष सुदा थे जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के और बड़े लीडर अब बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, हालांकि इनेलो और जेजेपी के मुद्दे पर हाईकमान की बात कहकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।